नमस्कार दोस्तों, ये अपडेट है। टाइम हो गया फिलहाल 12 बज गए, करेक्ट 12 बज गए, और एक्सपायरी होने में थोड़ा सा टाइम है अभी। ठीक है, 23 तारीख। और यहाँ पे देखेंगे अभी जो ऊपर से ये नीचे गिरा है, ये देखिए, ये कल डॉटेड लाइन मैंने आपको बताई थी कि इसको छूने के लिए आएगा। उसको छू के ऐसी गोली की रफ्तार से ऊपर की भागा सीधा 17,600 बार, 400 कितने का लो, ये डॉटेड लाइन पे ही लो है। ठीक है, ये देखिए, इसने पहले भी ऐसे ही कई बार किया, ये डॉटेड लाइन को ही छू गया ऐसे, ये डॉटेड लाइन को ही 1 2 3 कंसेक्यूटिवली। ठीक है, अब ये जो लेवल है जो आज लो बन गया, ठीक है, इसके नीचे ट्रेड करने के बाद ही अब ये चैनल जो बना हुआ है ये इसके सेकंड उसमें आएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ डेली चार्ट पे। हाँ, जो और नीचे के लेवल है, वैसे तो आना है इसको, ठीक है, नीचे की तरफ ही आना है, पर लेवल्स पे ही ट्रेड करें। ठीक है, ये यहाँ तो आज का जो लो बन गया है उसके नीचे इसको टिकना पड़ेगा। ठीक है, अब बचे कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग कैसे करनी है। देखिए, 30, ये जो 17,650, मैंने टेलीग्राम पे भी आपको वही लेवल दिया है, बस 17,650, इट इज दी एसएन। आप सेल साइड में रहिए, बट मेरी बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ मार्केट नीचे जाएगा मार्केट ऊपर जाएगा, ध्यान से होशो हवास में सुनिए। ये लाइन खींच दीजिए यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन, बस। ठीक है, इसका कलर दूसरा कर देता हूँ, ब्लैक कर देते हैं। ये जो लाइन है 16,17,650, जब तक निफ्टी इसके नीचे है ना, आपको सेल साइड में ही रहना है। ठीक है, और बट आज की एक्सपायरी मत यूज करिए, एक्सपायरी आज की मत यूज करिए। ठीक है, और सुनिए कि अगर इसको टच कर देता है तो क्या होगा। ये लेवल के अगर निफ्टी इसको ब्रीच कर देता है, इसके ऊपर आ जाता है, तो फिर वो जाएगा 680, 700, 720। ठीक है, फिर अब कितना ऊपर जाएगा, 730 40 भी जा सकता है, 750 भी जा सकता है, कहीं तक भी जा सकता है। वो देखो, आना तो इसको नीचे ही, ठीक है, पर फिर कब नीचे आएगा, कितने दिन बाद नीचे आएगा, कब लेवल ब्रेक करके आएगा, जैसे मैंने आपको एक बार पहले बताए सीन सिनेरियो बताया था, ये लाइन खींच के यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, याद होगा आप लोगों को कि ये, ठीक है, अगर इसको ब्रीच कर देता है तो फिर एक बार को ऊपर चला जाएगा, बट आना नीचे ही। ठीक है, ये समझाया था मैंने आपको अच्छे से, यहीं से अगर दे देगा, कायदे से नियम से इसको यहीं से दे देना चाहिए था, ये मूव इसको बनाना नहीं चाहिए था, बट इसको मुर्गे इकट्ठे करने थे, जो चैनल ड्रॉ करके रखते हैं, ब्रेकआउट करके रखते हैं, ठीक है, रिटेलर को फंसाने के लिए भोले वाले, तो ये उसने फंसाया। अब यहाँ पे अगर ये 650 के ऊपर जाके ट्रेड करने लग जाता है तो फिर ये टाइम लेगा दोबारा नीचे आने में, वो फिर हमको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, लेवल देखने पड़ेंगे, कौन सी एक्सपायरी देखनी पड़ेगी, वो ट्रेड फिर बाद में लिए जाएंगे। बट हाल फिलहाल के सिनेरियो में, सीन सिनेरियो में, ये काले रंग की लाइन का पैसल रखिए और सेल साइड में रहिए। ये लो नीचे की तरफ दोबारा टैग होने चाहिए, 17,335 के आसपास निफ्टी आना चाहिए। आई होप मैंने आपको काफी ठीक ठाक अच्छे तरीके से समझा दिया कि 17,650 को कैसे यूज करना है। ठीक है, इसके ऊपर निकल जाता है तो 30-40 पॉइंट का एसएल लगा के, 620-625 का एसएल लगा के आप बाय करिए 17,700, 17,720-25 के लिए। ठीक है, इनफैक्ट 17,750 भी देखने को मिल सकता है, बट टिल द टाइम इट इज बिलो 17,650 तो आप इसमें सेल साइड के ही ट्रेड देखिए कि भाई ये नीचे ही जाएगा फिर। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ये मैंने अभी भी चार्ट शेयर किया, ये देखिए ब्रेकडाउन आया इसका, अभी अभी टेलीग्राम पे शेयर किया था आपके साथ। ठीक है, देखते हैं एक बार, ये देखिए इसके अंदर प्राइस मूव कर रहा है और अभी चल रहा है ये नीचे की तरफ, तो अब इसको नियम कायदे से दोबारा से
39,700 के बिलो जाना चाहिए एज पर दिस पैटर्न का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो बेयरिश ही रही है आज तो पर्टिकुलर, मुझे लगता है एक्सपायरी नीचे ही कटेगी, एक्सपायरी ऊपर नहीं कटेगी, तो उसी प्रकार से ट्रेड लेने हैं। देखिए मेरा तो ट्रेड छूट गया है वीडियो बनाने के चक्कर में, जबकि आज मैं बैठा हूँ ट्रेड करने के लिए अच्छे से तसल्ली से। इसे कहते हैं किस्मत। क्या कहें, चले कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, लाइव मार्केट में एनालिसिस ठीक लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं।